हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री बाय पूनम। आज हम करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ अमीनो एसिड की थी, आज हम कर रहे हैं अमीनो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अमीनो एसिड कैसे बिहेव करता है। दिस इज़ द फोर्थ चैप्टर ऑफ फोर्थ यूनिट ऑफ योर सिलेबस BSc 6th semester। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम अमीनो एसिड को जानेंगे, फिर अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड्स कैसे बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन कैसे बनता है, ये हमारा जो है टॉपिक है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है अमीनो एसिड बेसिकली किससे मिलके बने हुए होते हैं, RCHNH2COH, मतलब एक जो हमारा कार्बन है सेंट्रल वाला, उसके पास एक H हो सकता है, दो H हो सकते हैं, R हो सकते हैं, मतलब दो तो R या H ग्रुप लगे होंगे, उसके साथ एक NH2 ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बट जो ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है, एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस ये होता है कि जो मेरा NH2 है वो NH2 ना होकर NH3 होता है, और जो मेरा COOH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ना होकर कार्बोक्सिलेट आयन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो NH2 लिखा हुआ था, जो बेसिकली हम कहते हैं कि इसमें अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक्चुअली होते तो यही हैं, बट ये क्या करते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है तो ये अपना H पॉजिटिव छोड़ देता है, और इसका बेसिक नेचर है, मतलब अल्कलाइन नेचर है, लोन पेयर की वजह से ये क्या करता है, एक हाइड्रोजन को ले लेता है, और स्टेबिलिटी तब आती है जब इसके पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन छोड़ देगा। अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो CH के साथ NH3 और COH आएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, दो आयन बन गए, पॉजिटिव आयन भी आ गया और नेगेटिव आयन भी आ गया, और ऐसे आयन पेयर को जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन होते हैं, मतलब एक तरह से पोलैरिटी होती है, डाइपोलर आयन कहते हैं ऐसे आयन्स को। और ये जो डाइपोलर आयन है इसका स्पेशल नाम जो है मेरे पास ज्विटर आयन है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है, ज्विटर आयन अमीनो एसिड का की ही ये फॉर्मेशन है, अमीनो एसिड में चेंज होना, अमीनो एसिड का डाइपोल आयन में कन्वर्ट होना ज्विटर आयन कहलाता है, एंड इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर मेरे ख्याल से सबको पता है, एम्फोटेरिक टर्म का मतलब होता है इट कैन बिहेव लाइक अ एसिड और अ बेस। ठीक है, इट कैन बिहेव लाइक एन एसिड और एन बेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड बेस दोनों की तरह इसका बिहेवियर चेक करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया है कि जो हमारा अमीनो एसिड है दैट इज RCHNH2COH, जिसमें से मेरे पास दो ग्रुप है, एक ये ग्रुप और दूसरा ये ग्रुप। इन दोनों को मैंने कहा कि ये क्या करते हैं, इनकी स्टेबिलिटी जब आती है जब इनके पास क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप आ जाए। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रुप आते हैं ये क्या करते हैं, पोलैरिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जो ये स्ट्रक्चर आया है, जो ये स्टेबल स्ट्रक्चर आया है, इट हैज पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है दैट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ठीक है, जिसका नेचर जो है एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, जिसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, एसिड इज लोअर कंसेंट्रेशन, 7 से pH कम होती है, ऐसा कुछ भी हम HClH2SO4 डालते हैं तो वो क्या कहलाएगा कि हमारे पास जो है एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, लो pKa वैल्यू होगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, NH3 एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर। अगर मैं मीडियम को एसिडिक करती हूँ तो उस केस में अमोनियम आयन क्या करेगा, प्रोटोन डोनर का जो है रोल प्ले करेगा, और जहाँ से प्रोटोन डोनर होता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। दैट मीन्स जो NH3 वाला पार्ट है वो एसिडिक बिहेवियर करेगा, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, मैंने क्या किया, वाटर लिया, ये कार्बोक्सिलेट आयन लिया। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर वाटर डाला, वाटर डालने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये वाटर डाला, दैट कैन बिहेव एज अ एसिड और बेस। मान लो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसने H पॉजिटिव ले लिया और क्या किया, H3O पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ये बैठ गया। ठीक है,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, जो मेरा ज्यूटर आयन था, अमोनियम आयन अमीनो एसिड का जो आयनिक फॉर्म थी, डाइपोलर फॉर्म, इसमें मैंने वाटर डाला, तो क्या हुआ, इसने अपना एच पॉजिटिव छोड़ दिया और यहाँ पर ये एच पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब ये इस फॉर्म में आया, नेगेटिव आयन की फॉर्म में आ गया, और ये जो नेगेटिव आयन है दैट इज क्या कर सकता है, ये एच पॉजिटिव को ले सकता है आगे फर्दर, ठीक है। फिलहाल तो क्या है, फिलहाल इसने क्या किया, एच पॉजिटिव को छोड़कर एसिडिक बिहेवियर शो कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसका के ए निकालना चाहूंगी, के ए मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो उसमें क्या होगा, एसिडिक कांस्टेंट निकालेंगे तो उसके उसमें हमारे पास जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और जो आयन मैंने लिया था, जो बना है मेरा, उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, जिससे डिसोसिएट होकर ये बने हैं, ठीक है। तो इनकी रेशो जो है हमारी के ए कहलाती है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एम्फोटेरिक बिहेवियर में बेस देख सकते हैं कि बेस का कैसा बिहेवियर रहेगा, और जो ये बेसिक बिहेवियर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है लो के बी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बनते ना, वीक बनते हैं, वीक बेस बनेंगे तो के बी वैल्यू उनकी लो होती है। और ये सी ओ नेगेटिव क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करता है, तो जब भी क्या है आयन में वाटर डालेंगे तो वो एच पॉजिटिव ले लेगा, ठीक है, ये एच पॉजिटिव ले लेगा, तो वाटर में क्या बचेगा, ओ एच नेगेटिव बच जाएगा, और जो मेरा सॉल्ट जो है वो क्या बनेगा, वो सॉल्ट ऐसा बन जाएगा जिसमें सी ओ ओ एच होगा, एन एच थ्री पॉजिटिव होगा, और बाकी हमारा एज इट इज पार्ट होगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि OH बच गया, ये आयन इस तरीके से बन गया और वाटर इसमें कर लिया, ठीक है। के भी निकालेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, तो हम ये चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास के ए के बी जो है दोनों मिलकर 1 × 10⁻¹⁴ बनाते हैं। के ए अगर मुझे निकालना है, ठीक है, किसी का भी, तो मैं क्या करूँगी, और मुझे के बी दे रखा है तो मैं क्या करूँगी, जो 1 × 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के बी, और अगर के बी निकालना है तो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ के ए कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एसिड बेस की वैल्यू की, जो भी हमें एसिड या बेस की वैल्यू निकालनी है, के ए की वैल्यू, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि देखिए यहाँ तक क्या समझ में आया है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा अमीनो एसिड है दैट कैन बिहेव एज एन एसिड और एज एन बेस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर वो एसिड या बेस की तरह बिहेव करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या होगा, पीएच होगा, ठीक है। अगर उसके पास आयन्स है, डाइपोल है, तो उसके पास एक पर्टिकुलर पीएच भी होगी, ठीक है। अगर मैं उस अपनी तरफ से एसिड या बेस डाल रही हूँ, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन कर दिया मैंने, जो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन था उसमें हल्का सा एचसीएल डाल दिया या हल्का सा एनएओएच डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी पीएच चेंज हो गई। अब मुझे ये देखना है कि ये जो अगर मैंने उसमें कुछ डाला, अल्कलाइन या एसिडिक सॉल्यूशन डाला, तो उससे क्या फर्क पड़ा, इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एए मतलब अमीनो एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे ये देखना, मैंने क्या किया, अब मैंने मेरा जो कंपाउंड था, ठीक है, दैट इज मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, वो हमारा ये है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, अल्कलाइन मीडियम डाला, अल्काइन मीडियम डाला मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, ठीक है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मैंने अगर डाल दी तो वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव लेगा, और एच पॉजिटिव कहाँ से लेगा, NH2 आयन से। अब जो बचेगा वो अनायन बच गया और वाटर बाहर निकल गया। इसी तरीके से अगर मैं क्या करती हूँ, एसिडिक मीडियम करती हूँ, CA जो यहाँ पर HCl या कुछ भी एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हूँ, तो वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो भी प्रोटोन एक्सेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको COO नेगेटिव प्रोटोन एक्सेप्टर का काम करता है, ठीक है, बेसिक नेचर का काम करता है, बेसिक बिहेवियर दिखाता है, इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा आयन मेरा पॉजिटिव कटायन बन जाएगा, ठीक है। तो ये कटायन और ये अनायन बन सकते हैं, अगर अल्कलाइन मीडियम डाला तो अनायन प्रोड्यूस होंगे, ए से अल्कलाइन, ए से अनायन, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। HCl या एसिडिक डालने पर कटायन ए सी, ठीक है, ए ए ए सी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अमीनो एसिड का बिहेवियर चेक कर लिया एसिड या बेस के साथ, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन डाइपोल
डाइपोलर आयन, कटायन और अनायन के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। वो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये मेरा अमीनो एसिड है, दिस इज माय अमीनो एसिड, और जैसे ही हम क्या करते हैं इसमें एसिडिक कंडीशन बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिडिक मीडियम बढ़ाने से यहाँ एच लग जाएगा और ये कटायन बन जाएगा, और अगर मैंने क्या किया अल्कलाइन मीडियम बेसिक कंडीशन लगाई तो ये क्या हो जाएगा, अनायन बन जाएगा। तो कटायन और अनायन कैसे बनते हैं हमने बात कर ली, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी सिचुएशन करनी है कि जो हमारे कटायन और अनायन का जो नेचर है, कटायन और अनायन जो बन रहे हैं वो बराबर बराबर अमाउंट में बने, और ज़्यादातर जो है मेरा सॉल्यूशन इसी चीज़ का, हमारे न्यूट्रल आयन का, डाइपोलर आयन का हो। तो ऐसे ही अगर इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में है, जो इसकी पीएच है वही है, अलग से मैंने कोई पीएच ऐड नहीं की, ऐसे केस में जो मेरा डाइपोलर आयन है उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, ठीक है, और जो आयन्स बनेंगे कटायन और अनायन इनकी कंसंट्रेशन मिनिमम होगी और एक दूसरे के इक्वल होगी, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसे पॉइंट को जिसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होते हैं, इसे पी आई की से डिनोट करते हैं, दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अगर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है किससे ज़्यादा हो, जो पीएच मैंने मेंटेन कर रखी है उससे ज़्यादा होगा तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया तो उससे उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो आयन्स हैं, ये वाले जो हमारा डाइपोलर आयन है, ये क्या करेगा, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, और अगर मेरे पास क्या होगा जो सेकेंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच से ज़्यादा होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमने जो पीएच डाल रखी है उससे ज़्यादा होगा, तो जो कैथोड की तरफ अनायंस जो हमारे आयन है कटायंस, वो कैथोड की तरफ बिहेव करेंगे, मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है मेरे पास कि पीएच जो है न्यूट्रल है, ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर यहाँ पर एसिडिक कंडीशन है, पीएच कम है, तो क्या हो जाएगा, कटायन बनेंगे। यही मैंने आपको बता रखा है कि अगर पीएच कम है तो कटायन बनेंगे, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, पीएच ज़्यादा है अनायन बनेंगे, एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो हर एक में, अब हर एक जो हमारा अमीनो एसिड है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, पीआई मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, पर्टिकुलर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। उससे फ़ायदा क्या है, हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट चेक करके, मतलब एक तरह से उसकी पीएच चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है ये वाला, ठीक है। अगर मुझे उसके बारे में नहीं पता, आई कैन गिव अ आइडिया कि अराउंड 6 है तो ये हो सकते हैं, अराउंड 9-10 के बीच में है तो ये हो सकते हैं, और 2-3 के बीच में है तो ये वाले हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है सबका अपना एक पर्टिकुलर होता है, ठीक है। ये जो है हमें बताता है अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अगर मेरे पास मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ, एक ही NH2 ग्रुप है, उसमें एक ही COOH ग्रुप है, ऐसे एसिड जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन और ल्यूसीन, इनका जो है अराउंड 6 होता है, इनका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है अराउंड 6 होता है। ऐसे ग्रुप जिसमें डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, डाई अमीनो मतलब NH2 ग्रुप दो हैं, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो एक COOH और एक, अगर मेरे पास एक COOH है और एक NH2 है, वो तो एक दूसरे के साथ न्यूट्रल करके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर आ जाते हैं, पर अगर ये दो हैं, अगर ये दो हैं और ये एक है तो बेसिक कंडीशन ज़्यादा होगी, और ये जो है बेसिक कंडीशन ज़्यादा होने से इसकी इसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है मेरे पास मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो है मेरे पास ये दो है, ठीक है, COOH, और ये जो है मेरे पास एक है, ये ज़्यादा होने से यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर आ गया, तो इन दोनों का क्या होता है, एसिडिक बिहेवियर होता है। ये हमारी जो पीएच ये शो करेंगे, ये 2.28 एंड 3.22, ठीक है, तो ये बहुत लोअर वाली एसिडिक कंडीशन वाली लो दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, किसका कितना हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, और ये हर एक का स्पेशल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं जिसके अंदर मेरे पास चार्ज आयन्स हैं, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होता है, चार्ज मूवमेंट करते हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रो पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, उसी की ही ये प्रोसेस है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही प्रोसेस है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है उसका सेपरेशन में या कोई कंपाउंड है उसकी प्यूरिफिकेशन में इसका जो है ये मेथड यूज होता है, ठीक है। क्या करते हैं, हम अमीनो एसिड का मिक्सचर ले लेते हैं। अमीनो एसिड का मिक्सचर लेने से क्या होगा, उसको या तो स्ट्रिप ऑफ पेपर या फिर कोई सूटेबल प्लास्टिक ले लेते हैं हम, या फिर सेलुलोज एसिटेट का जो है वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्ट्रिप को यूज़ कर सकते हैं। तो यह इनमें से कोई भी हम लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन बनाकर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब कटाएं उस वहाँ पे कैथोड एनोड अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, मान लो मैं स्ट्रिप ऑफ पेपर का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैंने स्ट्रिप ऑफ पेपर को सॉल्यूशन में डाला, वहाँ पे दोनों तरफ उसके जो है इलेक्ट्रोड लगाए, इलेक्ट्रोड लगा दिए, प्लस माइनस चार्ज लगा दिया, क्या होगा, मेरे पास सारे आयन्स है सॉल्यूशन में। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कैथोड की तरफ कटायन आ जाएंगे, एनोड की तरफ अनायन आ जाएंगे, और बीच में जो है वो क्या होगा, बीच में हमारे न्यूट्रल आयन रहेंगे। तो हमने क्या किया, पेपर की स्ट्रिप ली, उसमें क्या किया, पीएच जो सॉल्यूशन की है वो हमें पहले ही मैंने सेट करके रखी है, मतलब मैं 4-5 भी रख सकती हूँ, 6-7 भी रख सकती हूँ, 9-10 भी रख सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक पर्टिकुलर पीएच, मान लो मैंने न्यूट्रल रख ली, ठीक है, 7 मैंने अराउंड 7 मैंने न्यूट्रल इसकी सॉल्यूशन की और इसकी पीएच स्ट्रिप की पीएच रख ली। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, जिसकी पीएच कम है, जो मतलब कटायन की फॉर्म में पीएच के बेस पे वो कटायन अनायन और न्यूट्रल आयन, तीन तरह के आयन रहते हैं जो हमारे नॉर्मल अमीनो एसिड में रहते थे, ठीक है। तो नेगेटिव जो हमारा क्या होता है, नेगेटिव यहाँ पे जब ये कटायन कैथोड की तरफ कटायंस आ जाएंगे, एनोड की तरफ अनायंस आ जाएंगे, न्यूट्रल बीच में रहेंगे, ठीक है। इसमें अब हमें क्या करना है, अब होगा क्या, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है टेबल बना के, कि जो अमीनो एसिड जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच ऑफ बफर जो मैंने अप्लाई किया है, पीएच मैंने जो पीएच प्री डिटरमाइंड रखी है उससे कम होगा वो पॉजिटिव आयन, मतलब कैथोड की तरफ एनोड की तरफ आएंगे, ठीक है। जिनका जिसका पीएच, ठीक है, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच से ज़्यादा है वो एनोड की तरफ आएंगे, ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो है मेरे पास न्यूट्रल वाले रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हम कटायन अनायन जो है उसके बेस पे हमारे सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लाइसिन एस्पार्टिक एसिड और एलानिन इनका सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसको अप्लाई कर दिया इसके ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये हमारा ये जो है ये जो जिसकी पीएच हायर है वो एक तरफ जाएगा, लोअर वाला एक तरफ जाएगा, न्यूट्रल वाले बीच में रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प अस टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन द मिक्सचर एंड सेपरेट आउट देम, ठीक है। इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी की होगी फर्स्ट ईयर में, उसमें क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के आयंस लेके इसी टाइप से, और हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में स्ट्रिप को डिप करते हैं और उसे सुखाने के लिए रख देते हैं, सूखने के बाद उसके ऊपर निन हाइड्रिन सॉल्यूशन का स्प्रे कर देते हैं, और स्प्रे करने के बाद अलग अलग आयन अलग अलग तरीके से उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और सेपरेट आउट होकर हमें अलग अलग कलर्स में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही तरीका हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस का इसमें अपनाना है, दैट इज अ प्रोसेस रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट कैन हेल्प अस टू सेपरेट आउट मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, ओके। तो इसके आगे हम जो है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।